कोलकाता यूथ गेम्स में इस समय हाजिर हैं हम डीडी स्पोर्ट्स के जरिए, जहां पर छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु में। और इस समय हम शूटिंग रेंज गुरु नानक कॉलेज से हाजिर हैं। चेन्नई में स्थित ये शूटिंग रेंज, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल मैन का फाइनल शुरू होने वाला है और फाइनल की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले मैं आपको परिचय करा दूँ उन खिलाड़ियों से जो इस फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे हैं। शिवम विनोद पाटिल महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के मनवेंद्र सिंह शेखावत और विजेंद्र भानु प्रणीत जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, जबकि अश्मित चैटर्जी वेस्ट बंगाल के एक होनहार शूटर, और इसके अलावा पार्थ राकेश माने महाराष्ट्र। दो प्रतिभागी इस इवेंट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और फाइनल में पदक पर नज़र रहेगी। इसके अलावा हरियाणा के हिमांशु, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया और अब फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। शीर्षा आदित्य कश्यप झारखंड के एक उदयमान खिलाड़ी, जिनका आज फाइनल में प्रवेश मिला है। और इनके अलावा आठवें जो प्रतियोगी होंगे इस इवेंट के अंदर, अभिनव शाह जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से दो दो शूटर इस फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, जबकि राजस्थान आंध्र प्रदेश और हरियाणा झारखंड के एक एक शूटर आपको इस फाइनल के अंदर नज़र आएंगे। 10 मीटर एयर राइफल में ही अभिनव बिंद्रा द्वारा लाया गया था और उसके बाद उसी क्रम में गगन नारंग जी ने ब्रोंज लिया। और आज खेल का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है और उसका आधार मैं ये मानूंगा कि खेलो इंडिया जो स्कीम है कि उसमें इस खिलाड़ियों को, और चूँकि ये थोड़ा सा खेल जो है वो एक्सपेंसिव होता है, तो अगर जो खिलाड़ी यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए जो जो हम किट पहनते हैं, जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, जो राइफल है, ये सारी मुहैया, और प्लस उनको मंथली कुछ उनके डाइट के लिए और उनके अपने दैनिक यूज़ के लिए कुछ मंथली जो है सरकार द्वारा उनको पे भी किया जाता है। और इस समय यही वजह है कि देखिए, दो राज्य हमेशा से डोमिनेट किया है वैसे तो पश्चिम बंगाल ने, और आपने जो नाम लिया था उसमें से आप देखें जो भारत को पदक दिलाते हैं राय हैं शूटिंग में, उनमें से बड़े नाम जो हैं आपको कुछ ऐसे राज्य हैं जहां से आते हैं, और उसके उस इवेंट उस राज्य के एथलीट्स भी इस फाइनल के अंदर आपको नज़र आएंगे। तो क्या वजह है कि इन राज्यों से ज़्यादा, अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो क्या इन राज्यों में क्या सबसे ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से ऐसे एथलीट्स आ रहे हैं? ग्रास रूट पे तो खेलो इंडिया काम कर ही रही है, दूसरे राज्यों से अगर थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है शूटर्स की, तो एक बड़ी वजह क्या हो सकती है और किस तरीके से खेलो इंडिया उनको एक मंच दे सकता है? जैसे तो जो 10 मीटर का इवेंट है जिसमें एयर राइफल और एयर पिस्टल खेला जाता है, तो इसमें एक ये है कि इस खेल के लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी खिलाड़ी खेलते हैं, हाँ इक्विपमेंट थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन आज इंडिया जो है, जो राइफल में की बात करूँ मैं, तो जो जैकेट और ट्राउज़र जो शूज़ पहनते हैं उसको इंडिया रिकवर कर रहा है। पहला शॉट ये दर्शकों के सामने आया हुआ है, ये फर्स्ट थ्री चलाएंगे, पांच शॉट चलाने के बाद इनका पूरा टोटल स्कोर जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जो अब हमारे एट्थ रैंक के जो खिलाड़ी थे जो फायरिंग पॉइंट एच पे खेल रहे हैं, अभिनव शाह, इन्होंने 10 साल की उम्र में खेलो इंडिया का सेकेंड जो संस्करण हुआ था पुणे में उसमें खेला था और इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो ये प्रतिभा या लगातार छठे संस्करण में भी ये खेल रहे हैं, अपनी जगह बनाए हैं। तो ये है खेलो इंडिया की पहचान और ये इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को कई बार देश का प्रतिनिधित्व किए हैं। और इसमें अगर मैं परिचय कराऊं तो अभिनव शाह अपने दो ही शॉट के अंदर ये फर्स्ट रैंक पे आ चुके हैं। हिमांशु जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, इनका पहला खेलो इंडिया है। और अस्मित चटर्जी वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका भी पहला खेलो इंडिया है। लेकिन जो शीर्ष आदित्य कश्यप हैं, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ये भी खेलो इंडिया स्कीम के तहत ही इनको जो है डॉक्टर कनिष शूटिंग रेंज में इनको जो ट्रेनिंग का जो उन्होंने अपना वेन्यू चुना है डॉक्टर कनिष शूटिंग रेंज। उसके बाद शिवम है, इनका भी पहली बार ही खेलो इंडिया में इनको खेलने का अवसर मिला है। पार्थ राकेश माने महाराष्ट्र से हैं और ये भी खेलो इंडिया की एथलीट हैं और करंटली में ये खेलो इंडिया का एक सेंटर है
महाराष्ट्र में पनवेल में, और वहाँ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद विजेंद्र भानु जो हैं ये पहली बार खेलो इंडिया खेल रहे हैं और ये आंध्रा से बिलोंग करते हैं। मानवेंद्र सिंह राजस्थान को बिलोंग करते हैं बट ये भी खेलो इंडिया के एथलीट हैं और तीसरी बार ये खेलो इंडिया लगातार खेल रहे हैं। जो भी खेलने जा रहे हैं इस प्रतियोगिता में, जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए गर्व की बात है और उनके माता पिता के लिए गर्व की बात है, उनके स्टेट के लिए गर्व की बात है कि खेलो इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं। माता पिता का कितना योगदान होता है इन खेलों में या किसी भी खेल में, ये सब अच्छे तरीके से समझते हैं। और मानवेंद्र सिंह शेखावत माता पिता की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका पूरा परिवार शूटिंग के में इन्वॉल्व रहा है और इन्होंने अपने ग्रैंडफादर से को देखकर शूटिंग को ऑप्ट किया था और आज देखिए इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज फाइनल खेल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, और सिर्फ मानवेंद्र की ही नहीं बल्कि तमाम खिलाड़ियों की भी बात करें, अगर फिलहाल के स्कोर की बात करें तो 52.6 के स्कोर के साथ हिमांशु लीड कर रहे हैं, पहली रैंक पर हैं, पहली पोजीशन पे हैं, और उसके ठीक पीछे उनके अश्मित जो कि पश्चिम बंगाल के हैं दूसरे स्थान पर। तो अच्छी शुरुआत हुई है और 52.4 का स्कोर बनाया है टोटल। पहली ये सीरीज चल रही है पांच शॉट की, उसके बाद का स्कोर आपके स्क्रीन पर है। और शिवम भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, 52.1 के साथ वो थर्ड रैंक पर हैं। फिलहाल अब अगले पांच शॉट पे नज़र रहेगी हमारी कि किस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे शॉट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एलिमिनेशन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती चली जाएगी, थोड़ा सा सोचना होगा। विजेंद्रला जो कि आंध्र प्रदेश के हैं वो सबसे पिछड़ रहे हैं इस फाइनल के अंदर, हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा समय है। विजेंद्रला की बात कर रहे थे हम इससे पहले, जब हमने मौका मिला थोड़ा सा उनसे बात करने का, तो गुंटूर से आते हैं और तपस्या शूटिंग एकेडमी है उसमें प्रैक्टिस करते हैं। आंध्र प्रदेश का एक खूबसूरत शहर गुंटूर जहाँ से वो आते हैं। और इस समय देखिए अगर शॉट की बात करें तो जो 10.9 जो कि परफेक्ट शॉट माना जाता है इस रेंज के अंदर, वो उन्होंने हासिल किया है। तो अच्छी शुरुआत हुई है दीपक जी। शीर्षा जो कि 83.8 अंक के साथ इस समय शॉट अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन नज़र रहेगी हमारी अश्मित चैटर्जी पे, वो 93.7 का अंक हासिल किया है और शीर्ष पे फिलहाल तो चल रहे हैं। लेकिन क्या दूसरे प्रतिभागियों के जो शॉट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनकी रैंकिंग क्या रहती है। और शॉट पूरे होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होती है। अश्मित चैटर्जी की हम बात कर रहे थे किस तरीके से अश्मित ने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज है उनका नेशनल में जो चैम्पियनशिप हुई थी शूटिंग की उसमें के अंदर। और अभिनव बिंद्रा एकेडमीज में वो प्रैक्टिस करते हैं जब हमारी बातचीत उनसे हो रही थी। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये टोटल स्कोर जो है, शिवम जो है लीड कर रहे हैं अभी भी और 104.7 अंक हासिल किए हैं, जबकि 104.3 अंक के साथ दूसरे स्थान पे राजस्थान के मानवेंद्र भी हैं। यानी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, 104 के अंक पे एक दो नहीं बल्कि 4 शूटर हैं। इसी से पता चलता है कि कितना क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, ये फाइनल चल रहा है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, जहां पर आप डीडी स्पोर्ट्स के ज़रिए ये प्रसारण देख रहे हैं। और यकीनन अब यहां से धीरे धीरे स्थिति थोड़ी बहुत साफ होती नज़र आएगी जैसे जैसे शॉट्स बढ़ते चले जाएंगे, एलिमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से ओलंपिक्स में इसको जगह मिली, 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार इस इवेंट को शामिल किया गया था और उसके पीछे रीज़न था क्योंकि 1970 में पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराई गई थी इस इवेंट के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और जब ऐसे स्तर पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो ओलंपिक कमेटी जो है वो भी इसको
शामिल करने से कतराती नहीं है, और यही कुछ देखने को मिला था। इसी तमिलनाडु राज्य की हम बात कर रहे हैं, जहाँ इस समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। तो यकीनन जब ऐसे स्तर पे आपके खिलाड़ी, आपके राज्य के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। क्वालिफिकेशन में हमने देखा था कि आपके एक एथलीट नज़र आए थे तमिलनाडु के, हालांकि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से भी इस स्तर पर इस इवेंट के अंदर आपको एथलीट देखने को मिल रहे हैं। और अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है कि 12 कंपटीशन शॉट हो गया है एंड अश्मित चटर्जी वेस्ट बंगाल के वो लीड पे रहे हैं 125.2 अंकों के साथ, और उन्हीं के सेम स्कोर पे हैं शिवम महाराष्ट्र से 125.2 के साथ। और अब जो एलिमिनेशन होने वाला है वो है शीर्ष आदित्य कश्यप झारखंड से हैं, और जिनका टोटल स्कोर है 123.3। तो अभी उम्मीद ये है कि अब जो इनका एलिमिनेशन जो है आदित्य कश्यप का होगा, और उसके बाद एक जो अगला चैलेंज रहेगा भानु के लिए कि वो अपनी प्रतियोगिता में अपने आप को बनाए रखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे शॉट चलाने पड़ेंगे। और यहाँ पे अश्मित चटर्जी ने बड़े अच्छा एक अपना फोकस दिखाया, 10.8 अच्छा स्कोर दिया उन्होंने, जिससे वो थर्ड रैंक से सीधा फर्स्ट रैंक पर आए। और अभी अगले दो शॉट में कौन सा एथलीट एलिमिनेट होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसमें अगर हम अश्मित की बात करें, जैसा पहले हमारे बंधुओं ने बताया कि उन्होंने नेशनल टीम इवेंट में 3 गोल्ड मेडल जीता था और उनका यह पहला खेलो इंडिया है, आज अगर वो यहाँ पे पदक लेते हैं तो इस जो खेलो इंडिया की स्कीम है सरकार द्वारा उन्हें चुना जाएगा कि वो और आगे आगे अपने शूटिंग का जो स्तर है उसको और बढ़ाएं और देश के लिए खेलें। फिर 10.6 स्कोर किया अश्मित ने, काफ़ी बेहतरीन और फोकस्ड लग रहे हैं। 10.7 भानु, और भानु के लिए और भी अच्छे शॉट चलाने होंगे क्योंकि अदरवाइज़ भानु उस रैंक पर हैं कि उनका एलिमिनेशन हो सकता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग है अगला शॉट जो है। बिल्कुल, और हर दो शॉट के बाद अब एक एक एलिमिनेशन होता चला जाएगा, उसके बाद से आपकी फाइनल की तस्वीर जो है वो साफ होती चली जाएगी। यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से अश्मित चैटर्जी पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने शुरुआत की है वो काबिले तारीफ है, और हो भी क्यों ना, जयदीप कर्माकर जो शूटिंग एकेडमी है वहाँ से आते हैं, कोलकाता में जन्मे हैं, और यकीनन एक ज़बरदस्त प्रदर्शन की उनसे उम्मीद, और उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे शिवम ने 10.6 का वो शॉट लगाया, उसके बाद से ज़रूर उनको थोड़ी सी राहत मिली होगी। हालांकि दूसरी तरफ से पार्थ राकेश माने का भी 10.6 का वो शॉट क्या उनको ऊपर लेके जाएगा, लेकिन इसी बीच एक और एलिमिनेशन, और वो एलिमिनेशन किसका होता है, आंध्र प्रदेश के भानु एलिमिनेट हो चुके हैं, उन्हें 7वें स्थान से ही संतोष करना पड़ेगा और पदक की दौड़ से वो फिलहाल बाहर हो चुके हैं। दो शॉट ऐसे आए जिसके बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिली नहीं और उनको यहाँ से अब लौटना पड़ेगा, लेकिन फाइनल तक पहुँचे, अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट। और ये शुरुआत है ये मानना होगा, क्योंकि अभी इस स्तर पे आपने खेलना शुरू किया है, अभी तो पूरा जहान आपके लिए बाकी है, आपने शुरुआत किया है। दो एलिमिनेशन आपके स्क्रीन पर, और वो विजयन भानु, इसके अलावा शीर्षा जो कि झारखंड के हैं, वो इस सबसे पहले एलिमिनेट हुए थे। और अगले दो शॉट साबित करेंगे कि किसे अब अगले एलिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके की शुरुआत मिली है उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से अश्मित चैटर्जी ही लीड करेंगे, और अब केवल 5 प्रतियोगी इस इवेंट का हिस्सा रह गए हैं। 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों वर्ग में ये फाइनल चल रहा है, जहाँ पर इस समय
हमें एक दिलचस्प फाइनल की उम्मीद है और वही कुछ चलता हुआ। और यकीनन यहाँ पर पार्थ ने टॉप रैंक हासिल की थी जब वो क्वालिफिकेशन की जो लिस्ट बनी थी, और वहाँ से आने के बावजूद उन्हें छठे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। अब देखिए 18 शॉट के बाद अब एक बार फिर से अश्मित चैटर्जी लीड कर रहे हैं, और हिमांशु अचानक से 188.4 अंक के साथ दूसरे पायदान पर आ गए हैं। और एक बड़ी वजह इसकी ये रही कि देखिए यहाँ पे एक एलिमिनेशन हो रहा है, और अभिनव पश्चिम बंगाल के दो जो शूटर थे उसमें से एक शूटर अभिनव का सफ़र समाप्त हो जाएगा। 186.5 का स्कोर और वो पांचवें स्थान के साथ फिनिश करेंगे। अब सिर्फ 4 प्रतियोगी बच जाएंगे इस इवेंट के अंदर, और एक एलिमिनेशन के साथ पदक कंफर्म होने शुरू हो जाएंगे। और यकीनन जो परफॉर्मेंस आई वहाँ पर काबिले तारीफ रही, जिस तरीके से 10.7 का वो शॉट लगाया हिमांशु ने अपना पिछला, वो उनको लेके गया दूसरे पायदान पर। देखिए अब यहाँ पर सिर्फ 4 प्रतियोगी बचे हैं, अश्मित चैटर्जी, हिमांशु, मानवेंद्र और शिवम। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ये चारों शूटर, किसे मिलेगा स्वर्ण, कौन जाएगा रजत के साथ और किसे कांसे से संतोष करना पड़ेगा। 20 शॉट के बाद पहला पदक कंफर्म हो जाएगा, याद रखिए 22 शॉट के बाद पहला कंफर्म होगा। और यहाँ पर ये शिवम की शुरुआत यकीनन निराशाजनक रही है, जिस तरीके से उनका वो शॉट आया इस वजह से वो चौथे पायदान पर चले गए। 9.6 का वो प्रयास उनका उनको चौथे स्थान पे धकेल गया है, इसकी उम्मीद बिल्कुल भी उन्होंने की होगी नहीं। मानवेंद्र ने 10.5 का वो शॉट लिया और 198.0 अंक है उनके नाम, 198.7 अंक के साथ अश्मित चैटर्जी और हिमांशु दोनों के बिल्कुल सेम अंक, और इस समय दोनों शीर्ष पर। याद रखिए जब स्कोर बराबर होगा तो टाई ब्रेकर में फिर जाएगा और टाई ब्रेकर में इसका फैसला होगा। जैसा शूटिंग के बारे में कहा जाता है कि माइंड गेम है, एक फोकस का खेल है, अगर यहाँ पे हम खिलाड़ियों को देखें तो यहाँ पे 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, जिसमें अभिनव शाह, पार्थ राकेश माने और शीश आदित्य कश्यप, इन सभी के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक्सपीरियंस तो था ही, साथ में ये पदक विजेता भी रहे हैं, लेकिन आज इस कंपटीशन में वो पांचवें, छठे और आठवें स्थान पर एलिमिनेट हो गए हैं। तो ये कहा जाता है कि जिसका फोकस अगर आप बना रहेगा तो चाहे पहली बार खेल रहा हो, एक्सपीरियंस हो, वो इस लेवल पे खेल रहा हो, तो आज जैसा अश्मित चटर्जी, हिमांशु और मानवेंद्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो काबिले तारीफ़ है। और शिवम को 4th रैंक पे एलिमिनेशन होना पड़ा, और अब जो 2 शॉट चलेंगे उस शॉट को हमें पहला मेडल की पंक्ति में लेके आएगा। अगर आप स्कोर की बात करें तो अश्मित चटर्जी वेस्ट बंगाल से वो 209.3 अंक के साथ प्रथम स्थान पर हैं, वहीं हिमांशु हरियाणा से 209.1 के साथ द्वितीय पावदान पर, और ब्रोंज मेडल की रेस में राजस्थान के मानवेंद्र सिंह शेखावत, जो भी खेलो इंडिया का हिस्सा हैं, और अगर मेडल टैली देखी जाए तो इनमें पहले और दूसरे पे जो रैंक पे खिलाड़ी वो पहली बार खेलो इंडिया खेल रहे हैं, और मानवेंद्र चूँकि ऑलरेडी खेलो इंडिया का हिस्सा रहे हैं पहले से, और वो अपना एक्सपीरियंस और अपना जो ट्रेनिंग जो उनको वहाँ उनके ट्रेनिंग सेंटर में मिल रही है उसका वो पहचान बना रहे हैं। और 10.8 हिमांशु ने बेहतरीन शॉट चलाया है जिसकी वजह से वो पहले पावदान पर पहुँच गए हैं, और अश्मित चटर्जी 10.3 के साथ द्वितीय स्थान पर, और मानवेंद्र सिंह निशाना थोड़ा चूक गया उनका और 9.8। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये कंफर्म हो जा रहा है कि मानवेंद्र को सिर्फ ब्रोंज मेडल से संतोष करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब चौथा एलिमिनेशन हुआ था तभी ये पता चल गया था कि ये 3
जो खिलाड़ी बचे हैं इस शूटर शूटिंग रेंज में वो जरूर कम से कम ब्रॉन्ज लेकर जाएंगे, और मानवेंद्र को यहाँ ब्रॉन्ज से ऐसा लग रहा है संतोष करना पड़ेगा। अश्मित चैटर्जी 10.4 का वो शॉट, और क्या फिर से अश्मित चैटर्जी लीड करते हुए मानवेंद्र को यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और हिमांशु और अश्मित चैटर्जी को अब स्वर्ण की लड़ाई लड़नी होगी। मानवेंद्र राजस्थान के 27.6 का जो वो अंक है उसके साथ उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया और कांस्य पदक लेकर जाएंगे यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों का ये फाइनल, जहाँ पर रूपरेखा ये बता रही है फिलहाल कि मानवेंद्र शेखावत को यहाँ पर मिलेगा कांस्य पदक। और अब जो दो प्रतिभागी बचे हैं अश्मित चैटर्जी और हिमांशु, वो स्वर्ण पदक की रेस में हिस्सा लेंगे दो शॉट, और यहाँ से कंफर्म होगा कि कौन बनेगा स्वर्ण पदक विजेता, कौन बनेगा 10 मीटर एयर राइफल के अंदर चैंपियन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। और हम लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की कि क्या टैलेंट लेकर आते हैं यहाँ पर, तो याद रखिए मानवेंद्र सिंह शेखावत के जो चूरू के रहने वाले हैं और उनकी फैमिली चूंकि इसी स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व थी उसका असर भी दिखा। और देखिए फिलहाल कांस्य पदक के साथ वो लौटेंगे। तो चलिए अब फाइनल की रेस शुरू होने वाली है और शॉट कैसे आते हैं ये आखिरी दो शॉट, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से कौन बनता है चैंपियन और किसे यहाँ रजत से संतोष करना पड़ेगा। दम कूल काम कंपोज्ड, सांसें थामिए, 10.3 10.4 हिमांशु का शॉट और दोनों का स्कोर जो है अब इक्वल हो चुका है। क्या एक टाई ब्रेकर देखने को मिलेगा 240.3 और 243। और शॉट याद रखिए 21-21 शॉट हुए हैं, 23-23 शॉट हुए हैं, 24वां शॉट कैसा रहता है ये डिसाइड करेगा कि स्वर्ण कौन लेगा यहां से। स्कोर बिल्कुल बराबर 240.3 240.3 अश्मित या हिमांशु, एक शॉट और यहां से मिलेगा हमें पदक विजेता। फाइनल स्कोर क्या रहता है निर्भर करेगा किस तरीके से यहां पर अश्मित चैटर्जी, तीन गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज था उनका नेशनल्स के अंदर, और अब यहाँ पर सबसे आगे चल रहे हैं ध्यान साधते हुए खुद को शांत करते हुए। और बिल्कुल वो जो बाज जैसी तेज निगाहें हैं उससे वो 10.9 जो परफेक्ट शॉट माना जाता है जिसकी तरफ से आया खेल वहीं ख़त्म। लेकिन क्या दोनों तरफ से 10.9 आएगा, क्या यहाँ पर कोई टाई ब्रेकर देखने को मिलेगा। सांसें थामिए, नतीजा आने वाला है 10.6 यानी अश्मित चैटर्जी, पश्चिम बंगाल के अश्मित चैटर्जी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों के स्पर्धा में स्वर्ण पदक गया है अश्मित चैटर्जी के नाम। 250.9 का स्कोर और अंत में जो उनका 10.6 का जो स्कोर था वो उन्हें स्वर्ण पदक की तरफ ले गया। हिमांशु को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ेगा। तो एक जबरदस्त मुकाबला, और यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल ने जीता है स्वर्ण पदक, और पश्चिम बंगाल के अश्मित चैटर्जी बने हैं चैंपियन, जबकि हिमांशु जो कि हरियाणा के हैं उन्होंने जीता रजत, और मानवेंद्र राजस्थान के उन्होंने जीता कांस्य पदक। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ये 10 मीटर एयर राइफल की पेशकश थी। हम आपसे इजाजत लेंगे लेकिन अभी भी खेलों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। सात
यूथ गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट गया है अश्मित चैटर्जी के नाम, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा के अंदर। स्वर्ण पदक के मुकाबले के लिए एक अच्छा मुकाबला चल रहा था उनका हिमांशु के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अश्मित ने आखिर कैसे अपने नर्व पे कंट्रोल किया और इस स्वर्ण पदक को अपनी झोली में डाला। बहुत 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 सब शुभकामनाएं आपको, और कितना अच्छा अनुभव कर रहे हैं इस पल को बयां कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पहला खेलो इंडिया गेम्स है तो जिसमें फाइनल में क्वालिफाई किया। मेरा पर्सनल बेस्ट स्कोर भी था क्वालिफिकेशन में 629.0, और फाइनल्स में बहुत टफ फाइनल था, लाइक लास्ट शॉट पे ड्रॉ था, लेकिन प्रोसेस पे कंसंट्रेट करके मैंने जस्ट शॉट चलाया, देन आई डिड नॉट फोकस ऑन द स्कोर एंड द रिजल्ट वाज ऑन माय बिहाफ। ही आल्सो प्लेड वेरी वेल हिमांशु, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। और सबसे बड़ी बात कि जो आखिरी में वो शॉट आया, आखिरी शॉट से पहले क्या दिमाग में चल रहा था, और 10.9 का दिमाग में चल रहा था कि ये मार दिया तो खेल खत्म यहीं पे? वो तो हर एक शूटर हर एक शॉट पे चलता है कि इस शॉट पे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हर एक शॉट को मैच के तरफ से देखेंगे तो रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं जाएगा। तो एवरी शॉट, और ये फाइनल्स का वही ज़्यादा मेन मोटिव है कि एक शॉट ओवर हो गया तो नेक्स्ट शॉट पे फोकस करो, नेक्स्ट शॉट जितना बेटर कर पाओगे उतना तुम्हारा बेटर होगा। और अगर अगले टूर्नामेंट की बात करें तो वो कौन सा दिमाग में है और उसके लिए अब क्या प्रिपरेशन और दिमाग में चल रहा है? अगला टूर्नामेंट इसी खेलो इंडिया का यूनिवर्सिटी गेम्स है जो फरवरी के एंड में आने वाला है, और उसमें मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो शायद गुवाहाटी में टेक प्लेस कर रहा है, तो अपना बेस्ट देने का उधर ही भी मन है। कोच के अलावा किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस सफलता के लिए, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? पेरेंट्स एंड परिवार से कोई खेलता है? नहीं। चलिए, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि परिवार से कोई नहीं खेलता, पहले शूटर हैं अपने परिवार से, या उसके बावजूद इन्होंने कर दिखाया कि अगर जुनून हो, जोश हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज हिमांशु ने, जो कि हरियाणा के हैं, उन्होंने रजत पदक जीता है, और रजत पदक के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक समय वो स्वर्ण पदक की दौड़ में भी बने हुए थे। आइए जाने की कोशिश करते हैं कितनी खुशी है और कितना गम है क्योंकि वो स्वर्ण पदक से जीत गए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई, पदक कोई भी कम नहीं होता। थैंक यू सर पॉइंट थ्री से चूक गए, कितना मलाल रहेगा इसका? सर, इसका मलाल तो बहुत रहेगा सर, इसका रहेगा, क्योंकि डर हो गया था सर, लास्ट में थोड़ी हार्ट बीट अप हो गई थी, और फिर भी कंसंट्रेशन करने की कोशिश की, लेकिन लगा नहीं सर, वो शॉट परफेक्ट चलाने की सोच रहा था लेकिन वो हो नहीं पाया था। सो रहेगा उसका मलाल रहेगा कि काश गोल्ड होता तो अच्छा, और भी अच्छा होता, मज़ा आ जाता। लेकिन चलिए इस चीज़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब क्या चीज़ की तैयारियाँ चल रही है, अब आगे क्या सोच रहे हैं? अभी सर तैयारी चलेगी 3rd-4th ट्रायल इंडियन टीम्स के लिए, और उसके लिए तैयारी अभी भरपूर करनी है सर, क्योंकि बहुत पीछे हैं सर इंटरनेशनल के लिए, और उसके लिए तैयारी अभी करनी पड़ रहती है, बहुत रहती है सर अभी तक। चलिए, ये थे हिमांशु जिन्होंने रजत पदक जीता है, और हम उनको शुभकामनाएं देंगे भविष्य के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही पदक वो जीतते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलों का सिलसिला लगातार जारी है, और डीडी स्पोर्ट्स पर लगातार इन खेलों का लुत्फ उठा सकते हैं।